हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीजे एंड वेलकम टू टीजे ईट। तो आज मैं आई हूँ मुलुंड में अगेन एंड आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड सर्वोदय पार्श्वनाथ नगर। और इस प्लेस पे एक छोटी सी बट प्यारी सी खाऊ गली। मैनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस बिकॉज ये थोड़ी इंटीरियर में है। स्टेशन से आपको ऑटो से आना पड़ेगा यहाँ पे एंड बहुत सारे बसेस आपको स्टेशन से मिलेंगे। सारे बसेस के नंबर्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड इस प्लेस का जो लैंडमार्क है वो है जैन मंदिर, जो यहाँ पे बहुत बड़ा सा मंदिर है। एंड उस मंदिर का भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है एंड द प्राइसिंग इज ऑल्सो सुपर अफोर्डेबल। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग हियर, सो हियर वी आर। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, जल्दी जल्दी चलते हैं, देखते हैं आज हमें क्या खाने मिलने वाला है। कम ऑन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आई एम एट विनोद भाई तंदूर वाला। अब नॉनवेज तंदूरी तो सब जगह मिलती है और हम सबने खाई है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगी वेजिटेरियन तंदूरी। वेजिटेरियन में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि पनीर हुआ, मशरूम हुआ, फिर सोया चाप हुआ, बेबी कॉर्न हुआ। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है स्टार्टिंग एट 50 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर की है मशरूम तंदूरी, आप देख सकते हो, एंड बेबी कॉर्न तंदूरी। क्वान्टिटी इज लाइक अमेजिंग। तो फटाफट इसे मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्वांटिटी तो ढेर सारी है और उन्होंने एकदम परफेक्टली इसको तंदूर किया है। आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक मार्क्स है इसके ऊपर, ऊपर से ब्लैक ब्लैक चार्ड एरिया देख सकते हो। कुक टू परफेक्शन, ओवर कुक भी नहीं है, एकदम परफेक्टली। साथ में आती है दो चटनियाँ एंड कैप्सिकम के कुछ पीसेस। तो जल्दी जल्दी से टेस्ट करते हैं। बेबी कॉर्न तंदूरी की बात करूँ तो एकदम परफेक्टली कुक्ड है, इट्स नॉट ओवर कुक। जब आप एक बाइट लोगे आपको वो बेबी कॉर्न का क्रंच भी फील होगा और साथ में जो उन्होंने चटनीज दिए हैं दे कॉम्प्लीमेंट दी तंदूरी रियली वेल। और ये तंदूरी के ऊपर उन्होंने चाट मसाला वगैरह भी डाला है एंड इट्स टेस्टिंग अमेजिंग। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट डिश, दैट इज़ मशरूम तंदूरी। तो मशरूम तंदूरी आप देख सकते हो मशरूम के टुकड़े एकदम परफेक्टली तंदूर किए गए हैं, नाइस एंड ब्लैक एरियाज ऑल्सो यू कैन सी। एंड साथ में अपने को मिल रही है दो चटनी। तो फटाफट हम इसे भी टेस्ट करते हैं। मशरूम तंदूरी की बात करूँ तो दिस इज ऑल्सो टेस्टिंग रियली गुड। और मशरूम की थोड़ी थोड़ी टेस्ट नॉनवेज जैसे होती है, तो इन्होंने मशरूम को बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट किया है और साथ में जो चटनीज दी है उसकी भी फ्लेवर बहुत अच्छी आ रही है। स्पाइस लेवल की बात करूँ तो इट्स नॉट टू स्पाइसी, एकदम माइल्डली स्पाइसी है। तो कोई भी इसे खा सकता है, बच्चे हो या बूढ़े हो, एंड इट्स लाइक रियली नाइस एंड सॉफ्ट। तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर आप ये प्लेस आते हो सर्वोदय नगर में तो डेफिनेटली ये वेजिटेरियन तंदूरी ज़रूर खाना। यहाँ पे आपको रोल्स भी मिलते हैं, सो डू ट्राई इट। मतलब आराम से मैं खाऊंगी एंड देन आई सी यू एट द नेक्स्ट लोकेशन। तो फ्रेंड्स, आई वॉज एट द नेक्स्ट लोकेशन कॉल्ड कुमार डोसा सेंटर। अब आप तो सोचोगे तो डोसा तो हर जगह ही मिलता है, इसमें यूनिक क्या मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलता है ये। दिस इज कॉल्ड गोलमाल डोसा। और गोलमाल डोसा तो ये एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि छमछम डोसा, दिलखुश डोसा, लेज डोसा। मैं ऐसे ऐसे अजीब नाम मैंने पढ़े कि मैं कुछ शॉक हो गई कि यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी ऑफ डोसाज है। तो आई डिसाइडेड टू ऑर्डर गोलमाल डोसा और ये डोसा देख के मैं सच्ची में कंफ्यूज हो गई हूँ, बिकॉज ये पूरा गोलमाल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या, चिली डोसा है, चीज़ डोसा है, मैसूर मसाला है, क्या है। सो यहाँ पे जो डोसे की प्राइसिंग है स्टार्ट एट 50 रुपीज़ ओनली एंड वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे डोसे अजीब होते जाते हैं। सो लेट्स टेस्ट इट। एकदम गर्मा गर्म फ्रेश उन्होंने बनाया है हमारे सामने, तो टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टमाटर का फूल है उसे मैं नीचे रखती हूँ एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, इसके अंदर ढेर सारी फिलिंग है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फिलिंग है वो ढेर सारे पनीर की है, फिर उनकी जो आलू की सब्जी है वो है, फिर चीज़ है, बीटरूट है, गाजर है, कैबेज है, बहुत कुछ है उसमें। ये देखो कॉर्न भी है डोसे में, कॉर्न तो आपने पहली बार ही देखा होगा, पनीर भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो गोलमाल डोसा इज बेसिकली मिक्स ऑफ ऑल डोसा, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो लेट्स टेक अ बाइट फटाफट। गोलमाल डोसे की टेस्ट सही में गजब है। जैसे मैंने बाइट लिया फर्स्ट आई गॉट टू टेस्ट द क्रिस्पीनेस ऑफ दिस डोसा। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पीली उन्होंने इसको बनाया है एंड देन जैसे मैं और चू करती गई आई कुड टेस्ट द क्रंच ऑफ स्वीट कॉर्न, चीज़ की क्रीमी फ्लेवर, जो सब्जी उन्होंने बनाई है उसकी माइल्ड तीखी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर, इवन पनीर भी इसमें डाला गया है। तो ऑल द फ्लेवर्स कम टुगेदर रियली वेल और खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और आप जब भी बाइट लोगे आपको सारी चीज़ें टेस्ट करनी मिलेगी,
सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डोसा. तो आप जब भी यहाँ पे आओगे डेफिनेटली इनका गोलमाल डोसा तो ट्राई कीजिए. इसके अलावा इनके पास बहुत सारी वैरायटी है तो वो भी ट्राई कीजिए. तो ये आराम से मैं खाऊंगी एंड आई सी यू एट द नेक्स्ट ओकेशन. तो नाउ आई एम एट द नेक्स्ट लोकेशन कॉल सिद्धिविनायक सैंडविच पिज्ज़ा कॉर्नर. यहाँ पे आपको अलग अलग सैंडविच मिलेंगे, पिज्ज़ाज मिलेंगे और इधर भी आपको ऐसे अजीब अजीब और इतने यू नो यूनिक नाम मिलेंगे कि मैं क्या ही बताऊँ. जैसे कि कोल्हापुरी सैंडविच, आई हैव नेवर ईटन दैट बिफोर. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको बर्गर्स भी मिलेंगे. सिंपल बर्गर स्टार्ट एट 70 रुपीज एंड चीज़ वाला 80 रुपीज. तो मैंने सोचा एक बर्गर ट्राई कर ही लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने पिज्ज़ा बर्गर खाते बर्गर. तो आप देख सकते हो एकदम क्यूट सा बर्गर है मेरे हाथ में, वेजिटेरियन बर्गर है. सो लेट मी टेस्ट इट. ये बर्गर जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड से बना है जिसके ऊपर उन्होंने ढेर सारी बटर लगाई है. अंदर आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे, मेयो मिलेगा और पैटी मिलेगी इनकी आलू की. एंड नीचे आप देख सकते हो चटनी, अनियन, ये सारी चीज़ें लगी हुई है. टेस्ट वाइज इट वॉज लाइक रियली नाइस. 70 रुपीज़ में इतना बर्गर आप खाओगे पेट तो भर ही जाएगा. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट देन इट्स फाइन क्योंकि बर्गर मैं नॉर्मली रोज़ खाती नहीं हूँ. इट्स माइल्डली स्पाइसी, सब कुछ यहाँ पे फ्रेश है, आपके सामने बन के आपको मिलेगा. और स्पेशली ये जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप खाओगे वो आपके मुँह में पिघल जाएगी, आपको रियलाइज भी नहीं होगा. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज बर्गर्स में जो ब्रेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी सॉफ्ट नहीं होती. सो नाउ आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई बर्गर एंड आई एम गोइंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे. दिस इज द दिलखुश सैंडविच. देखते हैं कि ये खा के हमारा दिल खुश होता है या नहीं. सो लेट मी जस्ट शो यू वॉट इट इज एग्जैक्टली. ओ माई गॉड, लुक एट दिस. ओह, दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसके अंदर जो फिलिंग होगी वो पिंक कलर की होगी. एंड डोंट वरी गाइज, ये कोई भी फूड कलरिंग नहीं है, ये प्योरली बीटरूट की जो कलर है वो है. और इसके अंदर क्या है वो तो अभी खा के ही पता चलेगा. सो लेट्स टेक अ बाइट. ओ माई गॉड, ये खा के सच्ची में मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि जो फिलिंग है इट इज़ सो क्रीमी एंड इट इज़ सो रिच. इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डले हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसमें थोड़ा बहुत कर्ड भी होगा. मेयो है, चीज़ है, बीटरूट है, कैरेट है, क्यूकम्बर है, टमेटो है, अनियन है, एवरीथिंग इज मिक्सड रियली वेल. और भर भर के इसके अंदर डाल दिया है उन्होंने. एंड ये खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है. जो ब्रेड है वो अच्छी तरीके से ग्रिल्ड है फ्रॉम बोथ द साइड्स विद बटर, ऊपर भी चीज़ है. मैंने तो नॉर्मल बाइट लिया था, मैंने चटनियाँ भी नहीं ली थी, फिर भी दिस वॉज सो क्रीमी एंड दिल खुश. सो लेट्स ट्राई इट विद दिस चटनीज. मैं अगर स्पाइस लेवल की बात करूँ तो जो सैंडविच इट इज़ वेरी माइल्डली स्पाइसी. लेकिन अगर आपको तीखा पसंद है यू कैन ईट इट विद द चटनीज बिकॉज दिस चटनीज आर रियली तीखा. जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है इसका इट्स रियली ग्रेट. तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो सिद्धिविनायक सैंडविच एंड पिज़्ज़ा कॉर्नर में ज़रूर इनके जो पिज़्ज़ाज है सैंडविचेज है ट्राई कीजिए. यू विल डेफिनेटली लव इट. सो आई आराम से ईट दिस. तो फ्रेंड सर्वोदय नगर खाऊ गली में आके बहुत मज़ा आया, ढेर सारा खाने को मिला, अफोर्डेबल भी था. कुछ डिशेज एक्सपेंसिव थी बट इट्स फाइन क्योंकि ऐसे डिशेज हम रोज़ रोज़ तो नहीं खाते. तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. डू लाइक इट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए क्योंकि हम ऐसे अनोखे अलग अलग वेरियस प्लेसेस लाते रहेंगे यहाँ पे. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुल एंड